हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू वी माइंड्स। आज के इस वीडियो में गूगल पिक्सल 4a का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू करेंगे एंड इस डिवाइस के मैंने सारे कैमरे मोड्स को टेस्ट किया है, ट्राई किया है, आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप गाइस आपको ये डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहले क्विक कैमरा स्पेसिफिकेशन शेयर कर दूं इसी गूगल पिक्सल 4a का। गूगल पिक्सल 4a के बैक साइड में 12.2 मेगापिक्सल का सिंगल लेंस देखने मिलता है f1.7 अपर्चर के साथ। 27mm का वाइड लेंस है, OIS का सपोर्ट है, LED फ्लैश, पिक्सल सेफ ऑटो HDR पनोरमा एंड वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 4K एट 30fps में। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला 24mm का वाइड लेंस देखने मिलता है। ऑटो HDR का सपोर्ट है, वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो फुल HD एट 30fps। तो सबसे पहले डे लाइट एंड पोर्ट्रेट शॉट शेयर करूंगा आपके साथ साइड बाय साइड एंड मैंने प्रैक्टिकली क्लिक किया आपके सामने। आप देख सकते हो सामने से सूरज उगता हुआ, उसके सामने हमारा ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल फोटोज मैंने एक क्लिक किया है एंड पोर्ट्रेट पे एक फोटो क्लिक किया है एंड ये रहा एक्चुअल इमेज आपके सामने। आप देख सकते हो बहुत ही ब्रिलियंट फोटो क्लिक होता है पिक्सल 4a के कैमरे से। एंड यहाँ पे अगर मैं पोर्ट्रेट फोटो की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे एजेस बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है एंड फोटो की जो क्लैरिटी है, कलर बैलेंस है, वो बहुत ही हमें वाइब्रेंस देखने मिलता है अदर कैमरे के कंपेयर। यहाँ पे अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो वहाँ पे भी थोड़ा सा फ़ोटो सैचुरेट हो जाता है, बट पिक्सल का कैमरा मुझे बहुत ही सही लगा, एक्चुअल एंड रॉ इमेज निकल के आता है। एंड यहाँ पे आप और भी सैम्पल्स देख सकते हो, राइट वाला पोर्ट्रेट शॉट से एंड लेफ्ट वाला नॉर्मल फ़ोटो है। और मैंने गूगल पिक्सल 3 के कैमरे को भी डिटेल में रिव्यू किया है एंड कुछ टाइम पहले मैंने आईफोन SE 2020 एंड आईफोन 12 के कैमरे को कंपेयर किया है। तो आईफोन 12 में मैंने देखा था कि पोर्ट्रेट में जो एजेस है समटाइम ब्लर हो जाते, बट पिक्सल 4a में ऐसा कोई इशू नहीं है, एजेस को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है पोर्ट्रेट शॉट्स जब आप क्लिक करोगे तो। अगर आप रॉ मोड में फोटो क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्चुअल फोटोज देखने मिलेंगे कहीं हद तक, 99% मैं कहूँ तो। एंड वाइड एंगल शॉट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का वाइड एंगल फोटो आप क्लिक कर सकते हो गूगल पिक्सल 4a के कैमरे से, फोटो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है। एंड फ्रंट कैमरे को मैंने उतना ऑब्जर्व नहीं किया गूगल पिक्सल 4a के, बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक शॉट्स। आप देख सकते हो राइट वाला है पोर्ट्रेट, लेफ्ट वाला है नॉर्मल फोटो एंड बहुत ही सही फोटो क्लिक होता है फ्रंट कैमरे से भी। पिक्सल 4a में और भी काफी सारे मोड्स है जैसे फिश आई मोड, वर्टिकल मोड, हॉरिजॉन्टल मोड। तो इन सब मोड्स को मैंने ट्राई किया है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो ये एक वर्टिकल फोटो में क्लिक करने का ट्राई कर रहा हूँ एंड ये है एक्चुअल इमेज। कुछ इस तरीके से आप फोटो क्लिक कर सकते हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। एंड ये है फिश आई मोड, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग लगता है प्रोसेसिंग होने में। कुछ इस तरीके का इमेज भी आप क्लिक कर सकते हो एंड अब वीडियो सैंपल शेयर करता हूँ 4K एट 30fps में इसी पिक्सल 4a से। गाइस ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है गूगल पिक्सल 4a के बैक कैमरे से 4K एट 30fps में एंड जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी पिक्सल 4a के इंटरनल माइक से हो रहा है। एंड आप सीन देखो, ओके फाइनली वीडियो का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फाइनल पार्ट लो लाइट एंड नाइट मोड, बेसिकली स्टेरी मोड एंड एस्ट्रोग्राफी मोड देखने मिलता है पिक्सल 4a में। सबसे पहले लो लाइट फोटो आप देख लो, जो सबसे राइट में है वो है नाइट मोड पे क्लिक किया हुआ, सेंटर में पोर्ट्रेट फोटो है एंड एकदम लेफ्ट में है नॉर्मल कैमरे से फोटो क्लिक किया हुआ। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सपोजर चेंज करके फोटो क्लिक किया एंड नाइट मोड में मैंने स्टेरी मोड को ऑन करके फोटो क्लिक किया है ट्राईपोड पे स्टैंड करके। कुछ इस तरीके के आप फोटो क्लिक कर पाओगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्सपोजर थोड़ा नहीं पूरा लो किया है एंड कुछ इस तरीके के फोटो, ये थोड़ा फोटो इंक्रीज किया एक्सपोजर इसमें एंड इसमें अगेन मैंने एक्सपोजर को लो किया। स्टार की विजिबिलिटी बहुत ही सही है एंड फोटो बहुत ही अच्छे आए। तो यही थी छोटी सी वीडियो। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा, फोटोज कैसे लगे नीचे कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए, कैमरा रिव्यू कॉम्पेरिजन वीडियो के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय गाइस।